आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। 5 अगस्त को पिछले वर्ष की बात है, धारा 370 हटा दी गई थी और लगता था सब कुछ सामान्य हो जाएगा। प्रतिक्रियाएं भी आने लगी थी, लोग ज़मीन भी खरीदना चाहते थे और प्रॉपर्टी डीलर के भी विज्ञापन सामने आने लगे थे, फेक थे या सच थे कि कश्मीर में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। लेकिन यह इतना आसान नहीं था कि आप कश्मीर को फिर से उसका पुनर्निर्माण करें। तभी आपने पीएसए लगा दिया, नज़रबंद कर दिया उन नेताओं को जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, जो संसद के भीतर बैठते हैं, कानून बनाने में अपना योगदान देते हैं। तो आखिर उन्हें जब उन पर पीएसए लगाया जाता है तो इससे तो हमें यह महसूस होने लगता है कि अब तक देश के कानूनों को बनवाने में एक आतंकवादी साथ दे रहा था, संसद के अंदर एक आतंकवादी बैठा हुआ था। इस पीएसए को देखकर तो हमें यही लगता है, और ये केवल हमें नहीं लगता है, ये पी चिदम्बरम को भी लगता है। पी चिदम्बरम ने भी धारा 370 को लेकर जो बात कही है, उनका हटा दिया है, वह सब कुछ सही था, सबने तारीफ करी थी। खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी आपके इस फैसले की तारीफ की थी। तब आप उन बातों को नज़ीर के तौर पर, उदाहरण के तौर पर सामने रखते हैं, लेकिन जिस बात पर वह आपकी आलोचना करते हैं तब आप उनकी ही आलोचना करने लगते हैं। तो इससे यह साबित होता है केवल आप अपने लिए अच्छा ही सुनना चाहते हैं, आपको बुरा सुनने की आदत बिल्कुल नहीं है। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, और महबूबा मुफ्ती का पीएसए 3 महीने के लिए फिर बढ़ा दिया गया है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत, उन्हें फिर से 3 महीने नज़रबंद रहना पड़ेगा। नेट की व्यवस्था भी नहीं है, और अब एक महा नया कानून फिर आरंभ कर दिया है नागरिकता को लेकर, एनआरसी की तरह है। जो व्यक्ति 15 साल से जम्मू और कश्मीर का नागरिक है वह नागरिक माना जाएगा, करीब 5 से 7 वर्ष वह पढ़ाई वहां कर चुका हो तब नागरिक माना जाएगा, जिसको लेकर फिर एक बहुत बड़ा कोहराम होने वाला है कश्मीर के अंदर। पी चिदम्बरम की बात आप नहीं समझ रहे हैं, आपने एक मुख्यधारा के 3 नेताओं को लगातार नज़रबंद कर रखा है, इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी यह हमें भविष्य में मालूम पड़ेगा। और आपको क्या लगता है, आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, आखिर कश्मीर में इस तरह के नियमों के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आएगी। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।